ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन के अंतर्गत सुनिए वोकल फॉर लोकल, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की गूंज पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर रजनीकांत और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। गौरवशाली परंपरा और अनूठी संस्कृति के समन्वय के देश भारत में कला और शिल्पकारी का समृद्ध इतिहास रहा है। पिछले 8 वर्षों में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के मामले में देखें तो बड़ा बदलाव हुआ है और अब इसकी पहुंच युवाओं तक भी बढ़ी है। डॉक्टर रजनीकांत, कल प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि अब त्योहारों का सीजन आने वाला है और इसमें गिफ्ट रैपिंग से लेकर जो हम एक दूसरे को उपहार देते हैं उसमें हस्तशिल्प को प्राथमिकता दी जाए। हमने पहले भी देखा था जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप बापू के जन्मदिन यानी गांधी जयंती के अवसर पर खादी का कोई न कोई एक वस्त्र खरीदिए, तो कीर्तिमान बन गया था। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की इस पहल को आप? माननीय प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्र को और राष्ट्र के युवाओं को प्रेरित करने के लिए समय समय पे जो अपने उद्बोधन दिए हैं वह इतने फलीभूत हुए हैं और विशेषकर वह शिल्प बुनकर समुदाय के बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे कि आजादी के बाद से बहुत ध्यान नहीं दिया गया और उसके ढेर सारे कारण हैं, हम उनके नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन 2003 के अंतर्गत जब जीआई का कानून बना इस देश में, उसके बाद से जीआई होने की गति बड़ी धीमी रही और उसका नुकसान यह हुआ कि जो यहाँ के लोकल उत्पाद थे, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि लोकल से ग्लोबल, तो लोकल उत्पाद यहाँ के हैंडलूम हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, परंपरागत कृषि के उत्पाद हैं, हमारे फूड प्रोडक्ट हैं, हमारे कुजीन हैं, ये सारी चीजें हैं और ये भारत की पूरी दुनिया में मशहूर है। जितने भी विदेशी सैलानी आते हैं या पर्यटक आते हैं या तीर्थयात्री आते हैं, हम काशी जैसे अगर शहर की बात करते हैं तो वहाँ का उदाहरण है कि लोग बनारस में आने के बाद में विश्वनाथ जी का दर्शन तो करते ही हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन सवेरे कचौड़ी जलेबी से अपनी शुरुआत करते हैं और वो शाम को ठंडई और मलइयों और सारी चीजों का आनंद लेते हैं। चाट तो कोई भूलता नहीं है, पान का सेवन करता है। तो ये एक बड़ी विशेषता है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में, उनके उद्बोधन में, कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर के राष्ट्र के विकास की बात करते हैं और जिसमें युवा सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि इस बार फिर, ये तो 2 अक्टूबर आ रहा है, दूसरे अब त्योहारों का समय शुरू हो गया, ये आज वार्ता हो रही कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो हमें लग रहा है कि शायद स्थानीय उत्पादों में फिर एक बार इजाफा होगा, चाहे लकड़ी के खिलौने हों, मिट्टी के बर्तन हों, मिट्टी के पात्र हों, मेटल के पात्र हों, मेटल के पात्रों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, या गुलाबी मीनाकारी, स्टोन जाली क्राफ्ट, या दरी है, कारपेट है जिसमें हाथ का प्रयोग हो रहा है, वो उन वस्तुओं को लेकर के हम तो कुम्हारों को देख करके और इतने उत्साहित हैं कि अलग अलग तरह की इनोवेशन करके वो लोग बर्तन को तैयार कर रहे हैं और अभी से के साथ दिवाली आने वाली है, तरह तरह के दिनों की तैयारी कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ये एक बार फिर से इस त्योहार के सीजन में ये नई रिजाउजे पहुंच जाएगा। डॉक्टर रजनीकांत, प्रधानमंत्री का जोर पिछले कुछ समय से वोकल फॉर लोकल को लेकर बहुत ज्यादा रहा है और उस दिशा में हमने देखा कि बहुत सारे काम भी हुए हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्थानीय उत्पादों को लेकर जो कारीगर हैं या फिर जो शिल्पकार हैं उनका भी उत्साह बढ़ा है, क्योंकि अब उनको बेहतर मंच मिल रहा है और समाज में हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, जो खरीदार हैं, अपना त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हमारे जहन में भी एक विचार अब परमानेंट फिक्स होता जा रहा है कि हम स्थानीय लोगों से ही उत्पाद खरीदें। यहाँ डॉक्टर रजनीकांत, एक बड़ा सवाल आता है कि जब हम स्थानीय उत्पाद की बात करते हैं, जैसे कि हमारे कुछ रिश्तेदार या सबके रिश्तेदार विदेशों में रहते हैं या दूसरी जगह रहते हैं, जब हम उनके पास मिलने जाते हैं या फिर उनको कुरियर के माध्यम से गिफ्ट भेजते हैं और ये कहते हैं कि ये तो जी बनारसी साड़ी है, ये तो फिर गुलाबी मीनाकारी है, कैसे कोई भरोसा करेगा डॉक्टर रजनीकांत कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है? क्या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक प्रमाणिकता के लिए सरकार ने काम किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम विश्वसनीयता का सवाल है, क्योंकि जो साख होती है, जो क्रेडिट होती है वो बहुत बड़ी होती है और बाजार के अंदर में डुप्लीकेट उत्पाद भी हैं, मशीन मेड प्रोडक्ट भी हैं, सस्ते उत्पाद भी हैं, लेकिन जो आपने कहा ना कि विदेश में बैठे हुए लोगों को या देश के दूसरे हिस्से के लोगों को विश्वास कैसे होगा कि ये लोकल है? लोकल का मतलब ये स्थानीय है। जब हम कहते हैं कि आजमगढ़ निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी,
या गोरखपुर का टेरा कोटा, या बनारस का मेटल डिपोजी क्राफ्ट, या नवारा राइस केरला, या बात करते हैं बंगाल के बालूचरी साड़ी, या हम पटचित्र की बात करते हैं उड़ीसा, तो ये सारे के सारे उत्पाद जब जीआई में इनका पंजीकरण हो जाता है, तो जीआई में पंजीकरण हो जाने के उपरांत बैतूल का चाहे मेटल क्राफ्ट हो और जबलपुर का भेड़ाघाट का स्टोन कार्विंग का काम हो, जीआई में पंजीकरण के बाद इस बात की कानूनी गारंटी हो जाती है यह उत्पाद 100% लोकल है, वो उस भूभाग के अलावा कहीं बन नहीं सकता है। तो लोकल से ग्लोबल में जीआई एक कानूनी टैग है, एक कानूनी प्रक्रिया का, और इसके लिए हमें लग रहा है कि सरकार ने तो इतना तेजी से काम करना शुरू किया है, जिसका भी एक एकदम हाल का उदाहरण बताया आपको कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा डीपीआईटी के सपोर्ट से दिल्ली में 3 दिन का राष्ट्रीय जीआई का एग्जीबिशन कम सेल लगाया गया, और जिसमें देश के प्रमुख जीआई उत्पादों को वहां पर स्थान दिया गया निःशुल्क। यहाँ पे 40,000 रूपए स्टॉल की फीस थी, आना जाना रुकना किराया, ये सारा भारत सरकार ने इसका खर्च शिल्पियों का वहन किया, और सेल तो जो हुई तो वो हुई, शिल्पियों को ऑर्डर वहाँ पे इतने मिले हैं, बुनकरों को ऑर्डर मिले हैं, ये खाद्य पदार्थ के चाहे वो चाय हो या कॉफी हो या रेशम के उत्पाद हैं, या उत्तर प्रदेश के ओडी उपी उत्पाद हैं, मध्य प्रदेश के ओडी उपी उत्पाद हैं, राजस्थान का कोटगाड़ी का वर्क है या उत्साह क्राफ्ट है, लोग क्योंकि वहाँ फॉरेन डेलीगेट भी आए हुए थे, वहाँ पे दुनिया के करीब 24-25 देश के लोग भी आए हुए थे, तो उन्होंने ऑर्डर दिया। ये छोटा सा उदाहरण। दूसरे, अभी डीपीआईटी ने एक रोड मैप तैयार किया है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो रीजनल लेवल पे भी अब ये वर्कशॉप ये एग्जीबिशन प्लान करेंगे, नाबार्ड के माध्यम से बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसमें एग्जीबिशन चल रही है, और अब डीपीआईटी भी एक बड़ी स्कीम लेकर के आ गई है आर्टिजन्स के लिए, वीवर के लिए, जीआई के लिए एक्सक्लूसिवली जो है वो प्रमोशन को लेकर के किस स्कीम आ गई है। तो एक नया प्रयास इधर शुरू हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, ये सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। पहले चरण में 50 जिलों को हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के लिए चिन्हित किया गया है। अब जिले में उत्पाद को चिन्हित कर लिया गया और एक्सपोर्ट के लिए चिन्हित कर लिया गया, अब वहाँ पे डिजाइन, ट्रेनिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट लाइसेंस, सारी चीजें ग्रास रूट लेवल से, मतलब हमें कहने में गर्व हो रहा है कि एक मास्टर आर्टिजन भी अब एक्सपोर्टर बन रहा है, मास्टर वीवर भी एक्सपोर्टर बन रहा है, किसान निर्यात का लाइसेंस ले रहा है, ये सरकार की सुविधा है। और हमें लग रहा है कि शायद यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम बीच में से बड़े पैमाने पर लोगों को हटा करके किसानों को, बुनकरों को, शिल्पियों को, उत्पादकों को सीधे उत्पादन के साथ साथ निर्यात से जोड़ दें। डॉक्टर रजनीकांत, आपने जीआई टैग को लेकर और हस्तशिल्प और हथकरघा को लेकर काफी काम किया है, और इसके लिए आपकी अनूठी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब से जीआई टैग का कॉन्सेप्ट भारत में शुरू हुआ और मौजूदा सरकार ने जो हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं शुरू की, उससे कितना बदलाव आप देख रहे हैं हथकरघा से जुड़े लोगों के जीवन में और बिक्री है उसमें? ये वाकई में गर्व का विषय है कि जिन क्राफ्ट में, जिन वीविंग के उत्पादों में, जिन एग्रीकल्चर के भी ऐसे उत्पादों में जो इतने उपेक्षित हो चुके थे, मतलब वो हाशिए पर चले गए थे, लोग काम छोड़ रहे थे, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2014 के बाद से धीरे धीरे उसमें जो तेजी आनी शुरू हुई वो आज की तारीख में थोड़ा सा ब्रेक इस पे लगा कोविड के समय में, और वो चूंकि पूरे विश्व की महामारी की समस्या थी, उसमें स्वाभाविक सी बात थी, उसमें भी थोड़े से शिल्पियों बुनकर निराश हुए, लेकिन मैं आप बताऊं कि कोविड के खत्म होने के बाद ही जो बिक्री में तेजी आई है, ये सामान सप्लाई नहीं कर पा रहे। हम आपको बनारस का ही अगर उदाहरण देते हैं तो बनारस में स्थिति यह है कि हैंडलूम के उत्पादों के लिए तो ट्रेडर बुनकरों के दरवाजे तक पहुंच जा रहे हैं कि भाई आप हमारा सामान बनाओ, आप जो भी पैसा आपको चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमको हैंडलूम की प्योर की साड़ी चाहिए, प्योर सिल्क की साड़ी चाहिए। यही स्थिति गुलाबी मीना हो या स्टोन क्राफ्ट हो या मेटल रिपोजी हो या लकड़ी के खिलौने हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बार मन की बात में खिलौनों का भी जिक्र किया था, तो अब खिलौनों के उत्पादों को लेकर के बहुत तेजी से बाजार बढ़ा है। और जीआई होने के बाद 32% से लेकर के और 65-70% तक बाजार जीआई उत्पादों का बढ़ा है। दूसरा, हम आपको उदाहरण दें कि एक ऐतिहासिक प्रयास से कितना बड़ा परिवर्तन आया है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद वाराणसी में लगभग 55-60% कारोबार बढ़ गया, जिसमें सारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पावर लूम सारे उसमें शामिल हैं। और यही नहीं,
टूरिज्म का काम बढ़ गया, इतनी बड़ी संख्या में पिलग्रिमेज आ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल खाली एक जगह का दे रहा हूँ, ये सेम चीज उज्जैन में भी भगवान महाकाल के यहाँ पे होने जा रही है। ये चीज और भी चीजें, यही चीजें जहाँ मूर्ति की स्थापना की गई सरदार साहब की, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की, वहां पे टूरिज्म कितना तेजी से बढ़ा। तो ये विजन है उनका, जियाई को तो एक नया पंख मिल गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो खुद ही विदेश में जा करके वो जियाई के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो तो भारत के जियाई के उत्पादों को विदेश में जब जाते हैं तो वो उसको सुवनियर में भेंट करते हैं, या उनके पास जब कोई मेहमान आते हैं, कोई रास्ता तक चाहते हैं, तो वो जियाई के हैंडीक्राफ्ट को उनको भेंट करते हैं। तो वो तो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है और उसी से प्रचार होता है। और ये जो प्रचार हो रहा है इस समय कि बाजार में अब आप निकलेंगे और कहेंगे कब हमको ये सामान चाहिए, तो कारीगर कहता है कि 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। यही हम लोग सुनना चाहते थे बहुत समय से, और वो चीजें अब हो रही है। उत्तम चीजें, शुद्ध चीजें, सही चीजें ब्रांड के साथ, जीआई टैग के साथ बाजार आ रही हैं, और सरकार इसमें क्यूआर कोड से लेकर के तमाम इस तरह के प्रयोग वो कर रही है। पैकेजिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत के यह जो लोकल उत्पाद जीआई टैग के साथ पूरी दुनिया में पहुंचे, और दुनिया में क्यूआर कोड के माध्यम से कहीं पर भी उसको स्कैन किया जा सके, तो मालूम हो कि ये इस जगह का लोकल उत्पाद है, जो फ्रांस में, जो जर्मनी में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में या खाड़ी के देशों में भरा हुआ है। ऑथेंटिसिटी की गारंटी, शुद्धता की गारंटी, और किसने बनाया है उसका नाम, उसकी स्टोरी, उसकी वीडियो फिल्म उस क्यूआर कोड के साथ में आएगी, यही लोकल से ग्लोबल है। डॉक्टर रजनीकांत, अंत में संक्षेप में एक सवाल जहन में आ रहा है कि आज के समय में जब ऑनलाइन पोर्टल बिक्री का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गए हैं, हम सबके स्मार्टफोन पर अलग अलग तरह के ऐप्स हैं जिस पर हम मनचाहा ऑर्डर करते हैं, यहाँ पर कितनी चुनौती है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को लेकर? चुनौती सिर्फ एक चीज की है कि उस पर जो उत्पाद डाले जा रहे हैं, अगर वो जीआई टैग के उत्पाद है तो जीआई टैग के साथ क्यूआर कोड के साथ डाले जाए, ताकि उसकी गुणवत्ता की गारंटी हो। अब कोई सोचेगा जब मशीन में साड़ी उस पर डाल दी है और बोल दिया बनारसी साड़ी है, पावरलूम की साड़ी डाल दी है और बोल दिया बनारसी साड़ी है, तो वो तो जीआई नहीं है। बनारसी साड़ी का मतलब हैंडलूम की साड़ी। उसी तरह से चाहे चंदेरी हो, चाहे पोचमपल्ली हो, माहेश्वरी है, या जो कांजीवरम है, मैसूर सिल्क है, जो भी साड़ियां हैं, संबलपुर एकत है, ये गारंटी होनी चाहिए। यही जिम्मेदारी सबसे बड़ी है ये जो विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव को चलाने वाले लोगों की, कि आप अगर किसी उत्पाद को उस पर डाल रहे हैं तो इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि वो जेन्युइन है, अन्यथा की स्थिति में कंज्यूमर आपके खिलाफ, कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर सकता है। इसलिए हम बार बार लोगों से कहते हैं कि डिजिटल ऐप जितने भी आए हैं वो कंज्यूमर की आसानी के लिए है, कंज्यूमर के फायदे के लिए है, लेकिन सामान खरीदते समय आप अगर जीआई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप बोलिए कि साहब इसको जीआई टैग नहीं है, तो आप अपलोड मत करिए इस पे। वो उसका टैग होना चाहिए, दिखना चाहिए, वही उसके लोकल होने की गारंटी देगा, वही क्वालिटी की गारंटी देगा, वही शुद्धता की गारंटी देगा। तो इसलिए उपभोक्ताओं को भी सावधान होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले, मार्केटिंग चलाने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं सबको सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। आप कोई भी जीआई टैग के उत्पाद को बिना जीआई टैग के आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, बिना जीआई अथराइजर के अपलोड नहीं कर सकते हैं, और अगर जीआई अथराइजर का टैग है इसका मतलब है कि वह उत्पाद 100% सही है, लोकल है, उस जगह का है, उस बीवर या आर्टिजन से बना है या उस किसान द्वारा पैदा किया गया है, यही गारंटी रहेगी। तो हम यही सलाह दे रहे हैं कि हम लोगों को दोनों तरफ से सतर्कता बरतनी चाहिए, और जिससे बहुत तेजी के साथ में व्यापार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है, बनाने बेचने वालों को फायदा हो रहा है, डिजिटल माध्यम बहुत बड़ा माध्यम हो गया, ई कॉमर्स का माध्यम बहुत बड़ा माध्यम हो गया है। हम सभी श्रोताओं से यही अनुरोध करते हैं कि इस बार जब आप दशहरे के लिए एक दूसरे को उपहार दें, या दिवाली के लिए अपने घर को सजाने के लिए, या दूसरे को हंसी खुशी से कुछ गिफ्ट दें, तो जरूर स्थानीय उत्पादों को ही इस सूची में शामिल करें, तभी हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को और न्यू इंडिया के भी सपने को साकार कर पाएंगे। डॉक्टर रजनीकांत, आकाशवाणी से इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे वोकल फॉर लोकल, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की गूंज पर चर्चा। चर्चा में भाग ले रहे थे ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर रजनीकांत और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।